हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट 2 ऑफ कोरल्स, दैट इज कोरल कंजर्वेशन और कोरल ब्लीचिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, सेशन इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेक्टिव एज वेल। सो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ अजीत तिवारी हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर्स। और गाइस, क्या आप लोगों ने मुझे अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो कर लिया है? नहीं किया गाइस तो फॉलो मी ऑन unacademy.com/@ajitlive। My dear friends, so this is the link of Telegram channel t.me/AjitLive। इसमें number of exciting sessions के आपको free links मिलेंगी। So name of channel is Ajit Tiwari sir @ General Studies। My dear friends, for your OSS one stop solution go for Unacademy subscription, क्योंकि आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर, लाइव क्लासेस, टेस्ट एंड क्विज़ेस, वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम आपको गाइस मिलता है। फाइन माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लिया है तो नंबर ऑफ फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी। और जितने लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल गाइस, फॉर यू आई हैव started very awesome series on geography optional। More than 100 books I have compiled in this series। Okay, so guys, 100+ top educators हैं। जैसे आप कोड यूज करते हो अजीत लाइव, आई विल गाइड यू कि आपको प्रोसीड कैसे करना है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो 15K+ कोर्सेस हैं। आई विल प्लान योर शेड्यूल कि कैसे आपको मूव करना है। एंड गाइज, अनअकैडमी के आइकॉनिक की फी 25 जनवरी को हाइक होने वाली है। ओके आपके पास 1 ईयर प्रोग्राम, 2 ईयर प्रोग्राम, प्लस पे, आइकॉनिक पे, एंड नाउ सेपरेट कैटेगरी फॉर योर ऑप्शनल एज वेल। आपके पास अपने रेजोल्यूशन को पूरा करने का बेहतरीन मौका है गाइस, ठीक। सो आइकॉनिक हो, प्लस हो, whether you are trying for 1 year, 2 year or 36 month, 3 year, in all case no cost EMI is available। क्या करना है आपको? रेफरल कोड, कोड ऑफ सक्सेस डिस्काउंट के लिए अजीत लाइव यूज करना है। गाइस, मैं आपको बता रहा था कि कैसे जिनको 21 या 22 में एग्जाम देना है, उन सारे लर्नर्स के लिए मैंने 100+ बुक्स की कंपाइलेशन इस ऑसम ज्योग्राफी ऑप्शन में किया है। अगर आप ऑलरेडी प्लस पे हैं तो आप 4, 5, 6 लेक्चर्स देखोगे, यू विल फील द डिफरेंस। गाइज, 17 जनवरी 21:11 AM फ्री आपको अनअकैडमी कॉम्बैट, इंडिया लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कंटेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, ठीक। क्या करना है? इससे अनलॉक करने के लिए इनवाइट लिंक में आप अजीत लाइव अप्लाई करोगे और ये आप इसे एनरोल कर लो। एनरोल नाउ, डोंट मिस इट, इट इज वेरी ऑसम। नंबर ऑफ प्राइजेस रैंक 1 to रैंक 3 अप टू रैंक 50 आपके पास नंबर ऑफ प्राइजेस अवेलेबल है। और गाइज, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, आप पहले एग्जाम से पहले इवेल्युएट योरसेल्फ बिफोर यूपीएससी इवेल्युएट यू। एंड 18 जनवरी से नंबर ऑफ ऑसम कोर्सेज आर कमिंग। ओके, डोंट वेट फॉर दैट, एनरोल इट नाउ। मेरे 1 फ़रवरी से इंडियन ज्योग्राफी पे कोर्स आ रहा है, 1 मार्च से फिजिकल ज्योग्राफी पे कोर्स आ रहा है। वेरी ऑसम सीरीज इज कमिंग ऑन द प्लस माय डियर फ्रेंड्स, बेहतरीन टीम के साथ। मृणाल पटेल सर, मधुकर कोटवे सर, सिद्धार्थ अरोड़ा सर, अजीत तिवारी, माई सेल्फ, एक टॉप टीम आपके लिए कोर्स लेकर आ रही है, ठीक। आप इसका फायदा जरूर उठाएं। सो गाइज, 1 बैच अभी 11 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, अभी एक 18 जनवरी से बैच आ रहा है। सो नंबर ऑफ बैचेस आर अवेलेबल। कॉम्बो ऑफर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपको वेबसाइट पर कॉम्बो ऑफर ना मिल पाए तो गाइज, यू कैन टेलीग्राम मी, you can WhatsApp me, I will send you the link how to join the combo offer। Okay my dear friends, आइए सेशन को आगे बढ़ाएं। 25 जनवरी से आइकॉनिक की फी हाइक हो रही है, आप उसके पहले अपनी सब्सक्रिप्शन कर लें। इन ऑल केसेस, वेदर इट इज फ्री कोर्स, इट इज पेड कोर्स, इट इज कॉम्बैट कोर्स, आपको ये कोर्स अप्लाई करना है। और अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी के पास क्रेडिट कार्ड्स हैं तो गाइस, आप इंस्टॉलमेंट EMI ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो। अप टू 12 EMI, नो इंटरेस्ट इज देयर। ओके गाइस, ऑलवेज आई विल बी योर मेंटर एंड मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरी प्रिपरेशन का गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपको राइट ट्रैक पे कोई गाइड करे, ये बहुत अनिवार्य है आपके लिए माय डियर फ्रेंड्स। सो ये आपका कोड ऑफ डेडिकेशन, code of discount, code of determination, cost of your sure success because it is your desire. आइए रिवाइज सेगमेंट में आते हैं. गेट रेडी फॉर दैट माय डियर फ्रेंड्स. सो गाइस, हमने कल कोरल्स के बारे में आपसे बात की थी. लिसन वेरी केयरफुली, कैसे ये एक प्लांट प्लस एनिमल सुपर ऑर्गेनिज्म है. आज हम उसके आगे की बातें करेंगे. आप सेशन को लास्ट तक जरूर देखेंगे. इट इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंटरेक्टिव. ठीक. सो कोरल रीफ्स, प्लांट प्लस एनिमल सुपर ऑर्गेनिज्म, जब ड्यू टू एनी रीजन जब कंडीशंस फिजिकली हार्श हो जाएंगी तो प्लांट कॉम्पोनेंट की डेथ होगी एंड प्लांट विल बिकम अनेबल टू प्रिपेयर इट्स फूड. इन द एब्सेंस ऑफ फूड, मैंने आपसे बताया था, एनिमल कंपोनेंट जो फाइलम निडेरिया का है, क्लास एंथोजोआ का है, जिसकी बॉडी कैल्केरस स्केलेटन की बनी है, वो अपने फूड की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है. सो माय डियर फ्रेंड्स, तो जाहिर सी बात है उसकी डेथ होगी. और जब मिलियंस ऑफ कैल्केरस स्केलेटन्स की आपस में सीमेंटिंग होगी, देन द डेड स्ट्रक्चर फॉर्म इज कॉल्ड एज कोरल रीफ. ओके माय डियर फ्रेंड्स, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. इंट्रोडक्शन की बात आपसे हुई थी, ठीक, कि कैसे ये प्लांट प्लस एनिमल सुपर ऑर्गेनिज्म है, लाइंग बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी एंड व्हाट आर कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ. रिकॉल करिए, मैंने आपसे बताया था कि सबमरीन बेंच और प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक, लाइट की प्रॉपर पेनिट्रेशन, डेप्थ 60 to 70 मीटर, सबमरीन बेंच और प्लेटफॉर्म, क्लियरिटी ऑफ वाटर बिकॉज सेडिमेंट्स विल क्लॉग द माउथ, फिल द माउथ. फिर आज बात करेंगे इसके आगे से. यहां तक कल हमने गाइस किया था. जस्ट हैव ए लुक ऑन स्क्रीन. प्लांट प्लस एनिमल सुपर ऑर्गेनिज्म रिच इन प्रोडक्टिविटी, रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड दस दे आर कॉल्ड एज रेन फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल ओशन. माय डियर फ्रेंड्स, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट for you guys, very important for you guys. इस बात को समझें. जितने आपके सामने इमेजेस, एनिमेशंस आएंगी, ठीक, उतनी आपकी क्लियरिटी और बढ़ेगी गाइस. फाइन, इस बात को हम समझते हैं. It is very important my dear friends. so conditions की बात हुई, submarine bench, temperature mean annual, salinity, water must be sediment free. और फिर हमने समझा कि जितनी light की effective penetration होगी उतनी algal photosynthesis होंगी, उतनी high rate of photosynthesis होंगी, उतनी food ज़्यादा available होगा. fine, दे आर अवेलेबल अप टू डेप्थ ऑफ 60 to 70 मीटर. इसकी टॉलरेंस की वैल्यू, एम्पलीट्यूड की वैल्यू, पारिस्थितिक आयाम कम है, इसीलिए ओशनिक करेंट्स, टाइड्स और वेव्स का मॉडरेट होना अनिवार्य है. जितनी कंडीशंस फेवरेबल होंगी फॉर जूजेंथरी, फॉर एल्गी, क्योंकि एल्गी के पास ही क्लोरोफिल पिगमेंट है, एल्गी के पास ही प्रॉपर लाइट की एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी है, ठीक. और इस बात को हम स्पष्ट रूप के बारे में समझें. सो गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स. बेहतरीन आपको दिख रहा है. नंबर ऑफ जूजेंथली, नंबर ऑफ एल्गीज, नंबर ऑफ फौना, नंबर ऑफ फ्लोरा यहाँ पे मौजूद हैं. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज रेन फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल ओशन. वाई दे आर कॉल्ड एज रेन फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल ओशन, हमें इस बात की समझने की जरूरत थी. टाइप्स ऑफ कोरल यहाँ से हमें पढ़ना है, ठीक. लिसन वेरी केयरफुली. कोरल्स को आप कई तरीके से डिवाइड कर सकते हो टाइप्स के रूप में. जो कोरल्स माउंड बिल्ड करते हैं, Which are building mound, they are called as, जो colonies के फॉर्म में, ग्रुप के फॉर्म में रहते हैं, they are called as hermatypic corals. और जो mound build नहीं करते, they are called as ahermatypic. हर्माटिपिक एंड ए हर्माटिपिक जो आइसोलेटेड फॉर्म में होंगे, अकेले अकेले होंगे, दे आर कॉल्ड एज ए हर्माटिपिक. फाइन. सो फर्स्ट इज फ्रिंजिंग रीफ. दे आर फाउंड अलोंग द कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मार्जिन ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड. ओके, आइलैंड के मार्जिन पे अटैच्ड होंगी. लैंडवार्ड स्लोप इज जेंटल, सी वार्ड इज स्टीप एंड वर्टिकल. इसे आप एज और फ्रंट बोलते हो, कॉल्ड एज एज और फ्रंट. अगर आप फ्रिंजिंग रीफ की बात करें, क्यों भाई, वाई दे आर मूविंग टुवार्ड्स लाइट, क्योंकि लाइट उनको चाहिए फॉर प्रॉपर फोटोसिंथेसिस. मोस्ट कॉमन अमॉन्ग द कोरल्स. अगर मैं इंडिया की बात करूं, अंडमान और निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, पाक बे. इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको पाक बे दिखेगा, गल्फ ऑफ मन्नार दिखेगा. गुजरात कोस्ट रीजन में आपको गल्फ ऑफ कच्छ दिखेगा और आपको बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड दिखती है. अगर ये गाइस, अगर ये मार्जिन है तो इस सबमरीन बेंच और प्लेटफॉर्म पे कोरल अटैच्ड है. लैंडवार्ड स्लोप इज जेंटल, सी वार्ड इज स्टीप. आप इसी स्टीप को एज और फ्रंट बोलते हो माय फ्रेंड्स. सो बट ऑब्वियस ये आपको वॉल्केनिक आइलैंड के मार्जिन पे अटैच्ड हुई फ्रिंजिंग रीफ दिख रहा है. ठीक, कैसे पहचानेंगे? दे आर अटैच्ड ऑन सबमरीन बेंच और प्लेटफॉर्म. फ्रिंजिंग रीफ इज अवेलेबल. Okay, my friends, have a look on screen. Different types के corals. First is fringing reef. कुछ corals warm water में, कुछ cold water में comfortably. ये आपको region आपको दिख रहा है. See, number of volcanic islands के margin पे fringing reefs present हैं. कुछ और type की भी हैं, बात करेंगे अभी. They are in the warm water. Some corals are found in the cold water. ये आपको दिख रहा है. ठीक, so these are the cold water corals. Warm water are present in the Western Pacific, in the Eastern Pacific, Western Indian Ocean. आपको दिख रहा है in the Eastern Indian Ocean and Coral Triangle, region of Coral Triangle and Southeast Asia. Guys, it is comparatively mean annual temperature is 22 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि दे आर स्टीनोथर्मल. इनकी रेंज ऑफ टॉलरेंस इज लो. जब फ्रिंजिंग रीफ्स अपने मार्जिन से डिटैच होंगी और वो एक अलग होंगी बाय अ बोट चैनल विच इज अ शैलो लगून दैट इज नेविगेबल. इसे आप बोलोगे पैच रीफ. पैच रीफ्स आर आइसोलेटेड एंड डिसकॉन्टिन्यूअस lying shoreward of offshore reef structure. Gulf of Kutch, Gulf of Mannar, Pak Bay, ये पैच reefs के example हैं. My friends, तो अगर मैं आपसे और बात करूं, most wide, extensive, largest कौन है? It is barrier reef. कल आपसे मैंने बताया था कि overall इंडोनेशिया के पास largest coral area है, बट ऑस्ट्रेलिया के पास सिंगल लार्जेस्ट कोरल रीफ है, दैट इज ग्रेट बैरियर रीफ. मोस्ट वाइड, एक्सटेंसिव, लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट अमॉन्ग ऑल रीफ्स. दे आर लीनियर ऑफशोर रीफ स्ट्रक्चर रनिंग पैरेलल टू कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड आर सेपरेटेड बाय अ वाइड एंड डीप नॉन नेविगेबल बैरियर. मतलब अगर ये मार्जिन है और इस मार्जिन से कोरल अलग हुआ है और एक सबमरीन बेंच और प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे कोरल्स की ग्रोथ हो रही है, ये वाटर नेविगेबल है, आप इसे बोट चैनल बोल रहे हो. अभी तक ये पैच रीफ है, लेकिन अगर ये मार्जिन से एक वाइड और डीप बैरियर से अलग हो चुका है, कितना वाइड नॉट डिफाइंड, कितना डीप नॉट डिफाइंड, तो आप उसे बैरियर रीफ बोलते हो. ठीक, wide and deep non-navigable barrier. The water body between the reef and the shore is termed as lagoon. अगर आपसे simple question पूछा जाए कि among the all coral which is most wide, extensive, largest and highest, तो आप बताओगे it is barrier reef. Largest coral reef of the world is Great Barrier Reef, present on the eastern coast of Queensland. अगर आप ऑस्ट्रेलिया के मैप पे जाओगे तो आपको हैव अ लुक, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के मैप पे जाओगे आप एक रफ डायग्राम, तो नॉर्थ ईस्ट में क्वींसलैंड के ऑफशोर में लगभग 2000 किलोमीटर लॉन्ग लगभग, ठीक। बैरियर रीफ्स आर आल्सो फाउंड इन निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार का निकोबार एंड लक्षद्वीप, बात करेंगे अभी। बट लक्षद्वीप इज मोर फेमस, ज्यादा मशहूर है फॉर एटॉल रीफ फॉर फेरोज। अभी चर्चा होगी आपसे, देखोगे आप कि एटॉल रीफ्स क्या है, क्लियर। आइए गाइस और समझते हैं। सो बट ऑब्वियस फ्रिंज एरिया पे जो कोरल अटैच्ड मार्जिन पे, दे आर कॉल्ड एज फ्रिंजिंग रीफ। वॉल्केनिक आइलैंड, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, एक क्विक रिकैप कर लीजिए। ऑन सबमरीन बेंच और प्लेटफॉर्म, जब वो डिटैच होंगी अपने मार्जिन से और एक नेविगेबल चैनल से अलग होंगी, तो आप उस चैनल को बोट चैनल बोलते हो और इस कोरल को आप बोलोगे पैच रीफ। लेकिन अगर यही वाइड और डीप बैरियर हो जाए तो अब इसे आप बैरियर रीफ बोलते हो, व्हेन इट इज वाइड एंड डीप, क्लियर। आइए बातों को और आगे समझते हैं। क्वेश्चन इज एटॉल क्या है? कई नामों से जानते हो आप, कोरल आइलैंड, लगून आइलैंड, हॉर्स शू शेप्ड कोरल, रिंग ऑफ नैरो ग्रोइंग कोरल, जनरली इन द फॉर्म ऑफ हॉर्स शू पैटर्न और एलिप्टिकल मैनर, फाउंड ऑन सबमरीन बेंच और प्लेटफॉर्म। और इस मिडल ऑफ कोरल में लगून इज फाउंड, लगून मिलता है। नो लैंड इज फाउंड विद इन एटॉल, अभी ड्रॉ करूंगा। चेन ऑफ वेरियस एटॉल्स आर कॉल्ड एज फेरोज। गाइस इस बात को आप ऐसे समझें, बहुत ध्यान से आप स्क्रीन पर देखें, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। अगर ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, इस मार्जिन पे ये एक सबमरीन बेंच और प्लेटफॉर्म है, ठीक। इस सबमरीन बेंच और प्लेटफॉर्म पे अगर यहाँ कोरल प्लांट प्लस एनिमल सुपर ऑर्गेनिज्म अटैच्ड है, क्लियर, तो आप इसे फ्रिंजिंग रीफ बोलोगे। आप कमेंट सेक्शन में कुछ फ्रिंजिंग रीफ के एग्जाम्पल बताएं। हरी अप गाइस। केस 2, अगर ये मार्जिन से थोड़ी डिटैच हो गई, मार्जिन से डिटैच हो गया, सबमरीन बेंच से डिटैच हो गया, कहीं दूर उसे सबमरीन बेंच और प्लेटफॉर्म मिला। अब कोरल यहां मौजूद है, यहां मौजूद है, ठीक। ये पानी कैसा है? शैलो लगून, छिछला पानी है। आप इस पानी को नाम देते हो बोट चैनल। ये आपको जहाज चलती हुई दिख रही, आपको याद हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज बोट चैनल, ठीक। अभी आप इसे क्या बोलोगे? इट इज कॉल्ड एज पैच रीफ, आप इसे पैच रीफ बोलोगे। अगर यही बैरियर, ये अगर बिल्कुल मार्जिन से वाइड और डीप हो जाए, कितना वाइड नॉट डिफाइन, कितना डीप नॉट डिफाइन, तो इसे आप क्या बोलते हो? इसे आप बोलते हो बैरियर रीफ, ठीक। कितनी बार कोरल हॉर्स शू शेप्ड, घोड़े के खुर की तरह यहां कोरल्स ग्रो करेंगी, बीच में लगून होगा, इस बीच में कोई लैंड नहीं होगा। 1 यूनिट इज कॉल्ड एज एटॉल और पूरी इसकी जो चेन होगी, चेन इज कॉल्ड एज फेरोज, FAROS। दिस इज A फ्रिंजिंग रीफ, दिस इज B पैच रीफ, दिस इज C बैरियर रीफ एंड दिस इज D एटॉल एंड फेरोज रीफ। लक्षद्वीप इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है गाइस। नाउ दिस इज योर SST स्क्रीन शॉट टाइम, ठीक, क्लियर। आइए समझिए आप, एटॉल इज रिंग ऑफ नैरो ग्रोइंग कोरल्स, ओके, जनरली इन द फॉर्म ऑफ हॉर्स शू शेप पैटर्न और एलिप्टिकल मैनर। Corals are found on submarine bench or platform, and in the mid, no land is present, lagoon is present. A chain of various atolls are called as Faroes Lakshadweep. आइए इसको देखिए आप, ये आपको एटॉल दिख रहा है, वन यूनिट, लगून आइलैंड, कोरल आइलैंड बीच प्रेजेंट एट द मार्जिन, हॉर्स शू शेप्ड कोरल. जितने आप एग्जाम्पल्स, एनिमेशंस, इमेजेस देखोगे उतनी आपकी क्लियरिटी होगी. गाइस दे आर वेरी ब्यूटीफुल. और मैंने आपसे बताया था कि इसकी खूबसूरती के लिए एल्गल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल, जूजेंथली इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इसके पास वेरियस टाइप्स ऑफ पिगमेंट है. दे आर रिच इन प्रोडक्टिविटी, रिच इन बायोडाइवर्सिटी, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज रेन फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल ओशन. आप इसे क्या बोलते हो? रेन फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल ओशन. ठीक, आखिर इसकी क्या है इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, क्या है इंपॉर्टेंस? लिसन वेरी केयरफुली. Found in shallow water of tropical and subtropical region and characterized by high biomass production, rich in floral and faunal biodiversity, floral and faunal activity. तभी तो आपने कहा रेन फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल ओशन. नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट इरोजन, ये नेटिव जोन को इरोड होने से बचा रहा है. क्लियर? आइए और क्लियरिटी करते हैं क्या क्या इसके इकोलॉजिकल और सिग्निफिकेंस हैं. डिफरेंट फोटोसिंथेटिक रिस्पॉन्स टू द सेम लाइट, सम डू बेटर अंडर लो लाइट वाइल अदर स्ट्रॉन्ग लाइट. ठीक, क्योंकि अलग अलग टाइप की कोरल्स होंगी, अलग अलग टाइप की जूसेंथली होंगी. जितने ज़्यादा फूड अवेलेबल होगा उतने छोटी मछलियाँ, इंसेक्ट्स ग्रो करेंगी, और उन छोटी मछलियों पे फ्री स्विमिंग नेक्टॉन्स, लार्ज फिशेस विल ग्रो. रुक जा भाई, पहले पढ़ा लेने दे फिर खाना, धैर्य नहीं, हैव पेशेंस. ठीक, उतनी इसकी फॉनल डाइवर्सिटी बढ़ेगी. आइए गाइस इन बातों को और समझते हैं. लिसन वेरी वेरी केयरफुली. सो सम कोरल्स आर रिच सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन, आप इसे प्रोटीन के सोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हो. हॉट स्पॉट ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ बायोजेनिक कैल्शियम कार्बोनेट. दे प्रोवाइड सबस्ट्रेटम फॉर मैंग्रोव्स, ये मैंग्रोव आगे पढ़ोगे आप, ये मैंग्रोव वनस्पतियों को भी हेल्प करते हैं. दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इंक्लूडिंग एवी फौना, प्लेज रिमार्केबल रोल इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी, दैट इज ऑन साइट, वहीं पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में ये हेल्प कर रहे हैं. ठीक, अभी हम सारे पॉइंट्स को रिकॉल करेंगे वन बाय वन. तो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी, नेटिव जोन के इरोजन को कम करेंगे, वाटर की टेबिलिटी कम होगी, लाइट का इफेक्टिव पेनिट्रेशन प्रॉपर होगा, एल्गल फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, बायोमास प्रोडक्शन बढ़ेगा, जू प्लैंकटन स्मॉल फिशेस के लिए फूड अवेलेबल होंगी, तो मरीन बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होगी. ये मैंग्रोव को भी सपोर्ट करेंगे, आप पढ़ोगे आगे मैंग्रोव भी इनको सपोर्ट करेंगे. दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी हेल्प कर रहे हैं. गाइस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी मैंने याद कराया आपको कैसे कैल्शियम कार्बोनेट का ग्रेट सोर्स है, और कल हमने आपसे बात की थी, आज रिकॉल करेंगे कि इस एनिमल कंपोनेंट का जो कैल्केरियस स्केलेटन है, लाइम स्टोन डोलोमाइट का बना है, उसके पोर्स और चैनल्स ह्यूमन बोन से रिजेंबल करते हैं, एंड दस दे आर यूज्ड इन रिकंस्ट्रक्टिव बोन सर्जरी. भाई pores and channels are resembling to human bones, so largest source of biogenic calcium carbonate used in reconstructive bone surgery, क्योंकि pores और channels काफ़ी resemble कर रहे हैं. It is very important my dear friends. ठीक, और आगे समझते हैं. यानी आप देखो, एक तरफ rich source of protein, biogenic calcium का source मरीन को सपोर्ट कर रहा है, जू प्लैंकटन नेक्टॉन फिशेस को सपोर्ट कर रहा है, मरीन बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कर रहा है, और साथ साथ मेडिकल फील्ड में रिकंस्ट्रक्टिव बोन सर्जरी में भी दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. प्रीलिम्स में गाइस स्ट्रेट क्वेश्चन बनेगा. जो इसकी खूबसूरती है, it is because of the zooxanthellae algal component, that is the plant component, because of various type of attractive pigments present. ठीक, इस बात को और समझते हुए आगे बढ़ते हैं गाइस. लेकिन कितनी बार ऐसा होगा, मैंने आपसे बताया था, आप रिकॉल करें कि ये जो खूबसूरती आपको दिख रही है, अगर कंडीशंस फिजिकली हार्ड होंगे कैसे लिंक करोगे आप? जितने कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ थे, अगर वो एक्सट्रीम हो गए, अगर वो इंटेंस हो गए, टेम्परेचर का हाई होना, ग्लोबल वार्मिंग, लो होना, टर्बिडिटी का हाई होना, सिल्टेशन का हाई होना, इरोजन का हाई होना, करंट का इंटेंस होना, ऑल दिस फैक्टर्स विल कॉज डेथ ऑफ द zooxanthellae. अगर लिटोरल जोन का मैंग्रोव डिस्ट्रॉय हुआ, वहां इरोजन बढ़ गई, तो वो सिल सेडिमेंट भी कोरल के माउथ को क्लॉक करेगा, फिल करेगा, ब्लॉक करेगा. और गाइस दिस विल कॉज डेथ ऑफ द zooxanthellae और एल्गल कॉम्पोनेंट, एंड दिस विल कॉज लॉस ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी, कोरल ब्लीचिंग. क्या है कोरल ब्लीचिंग? हैव अ लुक. पेलिंग और वाइटनिंग और येलोइंग ऑफ कोरल्स. कब? जब zooxanthellae की डेंसिटी घट जाएगी या उनके पिगमेंट की कंसंट्रेशन घट जाएगी. तो कई बार हाई टेम्परेचर में ये प्लांट कंपोनेंट एल्गल कंपोनेंट से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा. ठीक, आइए इन बातों को और समझते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, कोरल ब्लीचिंग में आपको ये हेल्दी कोरल दिख रहा है. प्लांट और एनिमल, कोरल पॉलिप और एल्गल कंपोनेंट, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है. अभी ये स्ट्रेस हो रहा है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई इंटेंसिटी, इंटेंस करेंट, टर्बिडिटी का हाई होना, संबंधित बेंच का डिटैच होना, ऑल दिस केसेस दे आर अंडर स्ट्रेस. यानी इनका जो आपसी गठबंधन है, गठबंधन खतरे में है. ओशन की टेम्परेचर बढ़ चुकी है, पॉल्यूशन बढ़ चुका है, एल्गी कोरल को छोड़ने को तैयार है. ब्लीच्ड कोरल, वाइटनिंग और येलोइंग, पेलिंग ऑफ कोरल्स, यहाँ से zooxanthellae डिटैच हो चुका है. तो भाई चेंज इन ओशन टेम्परेचर, रन ऑफ एंड पॉल्यूशन, ओवर एक्सपोजर टू सनलाइट, एक्सट्रीम लो टाइड्स, इस तरह के पॉइंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं ताकि कोरल का ब्लीचिंग हो जाए, प्रवाल का विरंजन हो जाए. ठीक, यानी ये जो आपको एल्गल कंपोनेंट दिख रहे हैं, या तो इनके पिगमेंट कम हो गए या ये डिटैच हो गए. और जब ये डिटैच हो गए तो इनकी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाई, तो इनका फूड नहीं बन पाया, तो एल्गल कंपोनेंट के मरने से एनिमल कंपोनेंट को फूड नहीं मिला, उसकी वाइटनिंग और येलोइंग हुई. तो फूड के ना होने से ज़ूप्लैंक्टॉन्स, इंसेक्ट, छोटी मछलियों को भोजन नहीं मिला, इनके मरने से ये भी भूखी मर गई. जो अभी बड़ी उछल रही थी, लार्ज फिशेस, इनकी भी फूड की डिमांड पूरी नहीं हो पाई. ठीक, आइए गाइस इन बातों को और समझते हैं. व्हेन कोरल ब्लीच दे कॉमनली लूज 60 to 90% ऑफ देयर zooxanthellae, और ईच zooxanthellae में लूज 50 to 80% ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. अगर ये स्ट्रेस ब्लीचिंग हुई, ठीक, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुई, तो ये वापस रिगेन नहीं करेंगे. और अगर मॉडरेट है, हल्की फुल्की है, ठीक, नॉट टू सीवियर, क्या होगा? दे विल रिगेन, वो अपने सिम्बायोटिक एसोसिएशन को रीमेंटेन कर लेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स. हमने कोरल्स क्या हैं उसके बारे में बात की. व्हाट आर कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ हमें याद हो चुका है. टाइप्स ऑफ कोरल हम स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं. फ्रिंजिंग रीफ, जब कोरल्स आइलैंड के कॉन्टिनेंटल मार्जिन के पर अटैच्ड है. पैच रीफ, जब वो हैबिटेबल, जब वो नेविगेबल बोट चैनल से अलग है. बैरियर रीफ, जब वो वाइड और डीप बैरियर से अलग है. और फिर जब हॉर्स शू शेप फॉर्मेट में प्रेजेंट है तो आप उसे कोरल आइलैंड या एटॉल रीफ बोल रहे हो. जब ग्रुप के फॉर्म में है तो आप उसी को फेरोस बोलोगे. अगर किसी कारण से प्लांट कंपोनेंट की अगर डेथ हो जाए या उसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कम हो जाए तो आप उसे कोरल ब्लीचिंग बोलते हो। और जब डेड स्केलेटन की आपस में सीमेंटिंग हो जाए तो आप इसे कोरल रीफ बोलते हो। व्हेन मिलियंस ऑफ कैल्केरियस स्केलेटन्स आर सीमेंटेड टुगेदर। गाइस वेरी ऑसम सीरीज वी आर हैविंग, इतनी क्लियरिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जूजेंथली का लॉस प्रोलॉन्ग है, स्ट्रेस कंटिन्यू चलता रहा, तो जूजेंथली पॉपुलेशन, एलगल पॉपुलेशन आपस में रिकवर नहीं कर पाएंगी और कोरल्स की डेथ होगी। आइए इन बातों को और समझते हैं। दैट मीन्स अगर माइन्यूट है, माइल्ड है, हल्की फुल्की है, तो उनकी वापस में गठबंधन बरकरार होगा। आपको मैंने बता दिया था दुनिया का वही गठबंधन लॉन्ग लास्टिंग है जिसमें दोनों का फायदा हो, चाहे बात लाइकेन की हो, चाहे बात माइकोराइजा की हो, चाहे बात राइजोबियम बैक्टीरिया की लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के साथ हो, चाहे बात प्लांट प्लस एनिमल सुपर ऑर्गेनिज्म की हो। इन ऑल केस व्हेन बोथ आर बेनिफिटेड देन ओनली दिस एसोसिएशन विल कंटिन्यू फॉर द लॉन्गर टाइम, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। सो गाइस हाई टेम्परेचर, आइए एक क्विक रिकैप करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स कोरल ब्लीचिंग को प्रमोट कर रहे हैं। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। हाई टेम्परेचर एंड इरेडियंस, पूरे कोरल्स की एंजाइम सिस्टम डिस्टर्ब हो रही है, ठीक। फोटोसिंथेसिस जूजेंथली की डैमेज हो रही है। 30 डिग्री के ऊपर तापमान आ जाए तो वापस ये अब एसोसिएट नहीं होंगी, इनका प्रॉपर डिसोसिएशन हो चुका है। ओके, ये आपको दिख रहा है कैसे इंक्रीजिंग टेम्परेचर से इनका प्रॉपर एंजाइम सिस्टम डैमेज हो रहा है और ये अलग हो जा रहे हैं, ठीक। लो और हाई टेम्परेचर शॉक्स रिजल्ट इन जूजेंथली लो एज ए रिजल्ट ऑफ सेल एडहेशन डिसफंक्शन, आपस में ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? डिटैचमेंट ऑफ निडेरियन एंडोडर्मल सेल्स विथ देयर जूजेंथली एंड इवेंचुअल एक्सपल्सन ऑफ बोथ सेल्स, वो बिल्कुल दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। हाई हीट और लाइट, आप इसे याद करोगे, ये मैकेनिज्म दिया है जो मैं अपने रिसर्च के बच्चों को पढ़ाता हूं, आपको उतना नहीं जानना है। यानी आप समझ गए कि कोरल्स आर स्टीनोथर्मल, उनका रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस इज लो, रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस इज नैरो, ठीक। आखिर क्या क्या और इकोलॉजिकल कॉजेस हैं? एक हाई टेम्परेचर तो हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर कर चुके हैं। दूसरी हाई सैलिनिटी, क्यों? दे आर स्टीनोहलाइन। फिर ओशन टेम्परेचर का राइज करना। आइए एक क्विक समरी देखिए आप, व्हाट आर थ्रेट्स टू कोरल रीफ्स, ठीक। एग्रीकल्चर के न्यूट्रिएंट्स और सेडिमेंटेशन का, रोड कंस्ट्रक्शन और सेडिमेंटेशन का, फाइनली जाके ऐड हो रहा है ऑयल और केमिकल स्पिल्स का, डिफॉरेस्टेशन और सेडिमेंटेशन का, इरोजन बढ़ गई रिवर के थ्रू, फाइनली एडेड टू ओशन, स्टॉर्म रन ऑफ, सेडिमेंटेशन, टॉक्सिन, कोस्टल डेवलपमेंट एंड इम्परवियस सरफेस, ठीक। फेल्ड सेप्टिक सिस्टम और फाइनली ये रिलीज टू ओशन। पॉल्यूशन से क्या हो रहा है? ये सारे पॉल्यूशन के सोर्स कॉजेस डिजीज एंड मॉर्टेलिटी, प्रिवेंट्स कोरल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो आप इन चीजों को समराइज फॉर्म में देख पा रहे हो। हाई टेम्परेचर, इंटेंस करेंट, कितनी बार ओशन के फ्लोर पे अर्थक्वेक आया, राइज एंड फॉल इन वाटर, सिस्मिक सी वेव्स, भूकंप से उत्पन्न समुद्री धाराएं, सुनामी। याद करिए 26 दिसंबर 2004 का सुनामी, इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड ने कैसे मैसिव उस रीजन के कोरल ट्रायंगल रीजन की कोरल्स की, अंडमान निकोबार के कोरल्स की मैसिव ब्लीचिंग कॉज करी और मैसिव डेथ ऑफ फ्रिंजिंग बैरियर एंड एटॉल रीफ्स प्रेजेंट इन द रीजन। सुनामी भी इंपॉर्टेंट। कई बार बैक्टीरियल डिजीज, व्हाइट बैंड डिजीज, ब्लैक बैंड डिजीज, फंगल एक्शंस ये भी रिस्पॉन्सिबल होंगी फॉर डेथ ऑफ कोरस। एल नीनो इफेक्ट, एल्सो इफेक्ट, वार्मिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सारे चीजें इसको प्रभावित करेंगी। मैंग्रोव का डिस्ट्रक्शन, मैंग्रोव का ओवर एक्सप्लॉयटेशन, लिटोरल जोन का हाई रेट ऑफ इरोजन, नेटिक जोन में ज्यादा से ज्यादा सिल्ट और सेडिमेंट्स का ऐड होना। गाइस सी द लेवल ऑफ कवरेज, कोई शॉर्टकट नहीं है। कल भी मैंने आपसे बताया कि अगर मेरे सारे क्वेश्चंस एग्जाम में मेंस में आए, लगातार आते रहे, तो इसीलिए कि मैंने गाइस कुछ छोड़ा नहीं है। मैसिव लेवल की कवरेज आपको अपने प्लस कोर्सेज में दी है। हैव अ क्विक रिकैप ऑन स्क्रीन, टेम्परेचर इज द मेजर कॉज, चर्चा हो चुकी है, बात समझ चुके हम। ठीक, क्या हुआ इसमें? सडन टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए तो भी प्रॉब्लम, हाई हो जाए तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन को प्रॉपर बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वही जब पढ़ेंगे मैंग्रोव्स की तो उनकी रेंज ऑफ टॉलरेंस हाई होंगी, तभी आपने मैंग्रोव्स को पढ़ोगे। आप यूरीथर्मल कहा है, इनको आपने स्टीनोथर्मल कहा है। माय फ्रेंड्स, तो आखिर आप और क्या देखोगे? हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। आईपीसीसी के बारे में आपने पढ़ा है, सोलर इरेडियंस का हाई होना, ठीक, बट ऑब्वियस सोलर मैक्सिमा का होना, सन स्पॉट साइकिल भी एक नेचुरल कॉज है रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, है ना। आगे हम पढ़ेंगे अबाउट द क्लाइमेट चेंज। गाइस बहुत ही ऑसम सीरीज होने वाली है। ठीक, प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कोरल ब्लीचिंग, क्यों? बोथ फोटो एक्टिवली रेडिएशन 400 to 700 एंड अल्ट्रावायलेट, दे हैव बीन इम्प्लिकेटेड इन ब्लीचिंग। आइए इन बातों को और समझते हैं। सब एरियल एक्सपोजर, भाई सडन एक्सपोजर ऑफ रीफ क्या होंगी, बट ऑब्वियस दे कैन नॉट सर्वाइव। एक्सट्रीम टाइडल इफेक्ट, एंसो रिलेटेड इफेक्ट्स, टेक्टोनिक एक्टिविटी, वॉल्केनिज्म, सुनामी, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होंगी। सेडिमेंटेशन, अभी मैंने आपको समझाया कि हाउ, अगर वाटर टर्बिड हुआ तो कैसे सेडिमेंट कोरल पॉलिप्स के माउथ को क्लॉग करेगा, ब्लॉक करेगा और जूजेंथिली की डेथ होगी। सेडिमेंटेशन इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, यानी जहां पे रिवर मैसिव सेडिमेंट को रिलीज कर रहा है, आसपास के लोकलाइज आइलैंड पे वाटर की टर्बिडिटी बढ़ेगी और वहां के कोरल्स के मरने की संभावना बढ़ जाएगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेश वाटर डाइल्यूशन, रैपिड डाइल्यूशन ऑफ रीफ वाटर फ्रॉम स्टॉर्म, कहां से है? फ्रॉम प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ, ये भी कॉज करेंगी ब्लीचिंग नियर द शोर एरिया, ऐसा देखा गया। क्यों? क्योंकि सैलिनिटी इज, आइडल सैलिनिटी इज 27 to 30 पार्ट्स पर 1000। मैंने आपसे बताया था कि आप इसे डिफाइन करते हो ग्राम ऑफ सॉलिड कंपोनेंट पर केजी ऑफ वाटर, इसे सैलिनिटी को। कैसे करेंगे कंजर्वेशन? गाइस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 86 प्रोहिबिट्स यूज ऑफ कोरल्स एंड सैंड फ्रॉम बीचेस एंड कोस्टल वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन एंड अदर पर्पजेस। ये हमारा अम्ब्रेला एक्ट है। इंडिया इज पार्टिसिपेटरी टू ग्रीन कोस्ट प्रोजेक्ट, हम ग्रीन कोस्ट प्रोजेक्ट के पार्टिसिपेटरी हैं। सीधा मेन एग्जामिनेशन में स्ट्रेट क्वेश्चन बनेगा, इंडियाज रोल और नेशनल एंड इंटरनेशनल एफर्ट इन कंजर्वेशन ऑफ कोरल एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी। ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन, गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैन द कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल्स अलॉन्ग विथ ड्रेजिंग एंड अंडर वाटर ब्लास्टिंग इन एंड अराउंड कोरल फॉर्मेशन। क्या होगा उससे? उससे एक चीज स्पष्ट होंगी। ठीक, एक तरफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ग्रीन कोस्ट प्रोजेक्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आप कमेंट सेक्शन बताएं कि एसडीजी नंबर कौन सा आप यहां मेंशन करोगे। सो फार कंजर्वेशन ऑफ कोरल इज कंसर्न, सीआरजेड कोस्टल रेगुलेशन जोन की बात होगी। आइए और आप स्पष्ट रूप से समझें। तो गाइज मैं आपका वेट कर रहा हूं, कौन सी एसडीजी यहां पे इन्वॉल्व है, लेट मी नो माय डियर फ्रेंड्स। ठीक, कंसेप्ट ऑफ मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया का फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क हेल्प्स इन कोरल कंजर्वेशन। इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, अंडमान आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन ऑफ कोरल्स। ठीक, आगे जब हम बायोडायवर्सिटी पे बात करेंगे, आई विल डिस्कस व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, सबकी डिफरेंस, सबकी कैटेगरी, सब आपको बताऊंगा वन बाय वन। वेट फॉर अपकमिंग क्लासेस। सो इंडिया हैज रेटिफाइड पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट और हम बन गए 62वां देश। हमारे बाद यूरोपियन यूनियन ने किया और पेरिस क्लाइमेट चेंज एंटर्ड इनटू फोर्स। मैंने अपने प्लस कोर्सेज में कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स में पूरी कहानी एक एक बच्चे को याद करा दी है। ठीक, सो इंडिया हैज रेटिफाइड सेकेंड कमिटमेंट पीरियड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल जो खत्म हो चुका है 2020 में। 2013 से 20 तक था सेकेंड कमिटमेंट पीरियड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। ये सारे आपको नेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट्स दिखना है। कोरल रीफ्स की बात हो रही थी, डेड स्ट्रक्चर, मिलियंस ऑफ कोरल स्केलेटन्स, कोरल पॉलिप्स आर सीमेंटेड। हमने समझा ब्लीचिंग क्या है, हमने देखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कोरल कंजर्वेशन। गाइस, कोरल कंजर्वेशन के आप 5 पॉइंट कमेंट सेक्शन में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का लिखकर जल्दी से मुझे बताएं। हरी अप गाइस, 5 पॉइंट्स फॉर कोरल कंजर्वेशन। हरी अप गाइस, 5 पॉइंट्स फॉर कोरल कंजर्वेशन। सिग्निफिकेंस की बात हुई, हैबिटेट फॉर मिलियंस, प्रोटीन्स की बात हुई, मेडिसिन की बात हुई, बायोडायवर्सिटी की बात हुई, कोस्टल हैजार्ड रिस्क मिटिगेशन की बात हुई, रिडक्शन की बात हुई। सारे पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। ठीक, रिच इन मरीन बायोडायवर्सिटी, हाई बायोमास प्रोडक्शन, हाई फ्लोरल एंड फॉनल बायोडायवर्सिटी, रेन फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल ओशन। ठीक, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की आपसे चर्चा की मैंने, इकोसिस्टम सर्विसेज की बात हुई, प्रोटीन की बात हुई, रिकंस्ट्रक्टिव बोन सर्जरी की बात हुई, इको टूरिज्म की बात हुई, कोस्टल रेगुलेशन की बात हुई, है ना। अकॉर्डिंग टू WWF 2018, कोरल रीफ्स वर्ल्ड वाइड हैव बीन एस्टिमेटेड टू हैव ए कंजर्वेटिव वैल्यू ऑफ 1 trillion, विच जनरेट्स एटलीस्ट 300 to 400 billion ईच ईयर। कैसे भाई? इन टर्म्स ऑफ फूड एंड लिवलीहुड फ्रॉम टूरिज्म, फिशरीज एंड मेडिसिन। $1 trillion की बात हो रही है, इको टूरिज्म, फिशरीज, मेडिसिन। सो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस आप ऑलवेज आपके मेंस राइटिंग में ऐसे आपको पॉइंट्स मेंशन करने हैं। गाइस राइट, गो फॉर द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल्स? A, unsustainable agriculture, construction of aquaculture pond, B, release of industrial nutrients, D, exploitation of mangroves of economic use, E, intense oceanic current, cyclone and tsunami. आपको select the correct code, आपको correct code select करना है। Guys, सारे के सारे सही हैं। आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ऑल यहां पे आपका राइट आंसर हो रहा है। ठीक, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द कोरल लाइफ सिस्टम विद एग्जांपल्स, मेंस 2019 में आपसे पूछा है। आप पूरी मैकेनिज्म बता सकते हो, कैसे डिटैचमेंट हुई, कैसे एल्गल प्रोडक्टिविटी घटी, कैसे बायोमास प्रोडक्शन घटा, कैसे इंसेक्ट्स मरे, कैसे जू प्लैंक्टॉन्स मरे, कैसे स्मॉल फिशेस मरी, लार्ज फिशेस मरी, बायोडाइवर्सिटी घटा, कैसे मरीन फूड वेव सिंपल हुआ, मरीन इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी घटी। बहुत सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो। कैसे ग्लोबल वार्मिंग हुई, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हुआ, सी लेवल राइज हुआ, करंट इंटेंस हुए, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव्स हुआ, कोस्टल इरोजन हुई, फिर वाटर की टर्बिडिटी बढ़ी, कोरल्स के पॉलिप्स की माउथ की क्लॉगिंग हुई, जू जेंथली की डेथ हुई। सारे पॉइंट्स को आप लिंक कर सकते हो। कैसे इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, मेडिसिनल लॉस हुई, कैसे इकोसिस्टम सर्विसेज का लॉस हुआ। कितने पॉइंट्स मैंने आपसे बता दिए थे। कितना सिंपल क्वेश्चन आपके लिए है। क्यों? क्योंकि हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। मैंग्रोव्स कर लेंगे तो मैंग्रोव्स वाले क्वेश्चन पे आएंगे हम। ठीक गाइस, 20 का ही नहीं, ब्लीचिंग को आप खूब अच्छे से समझ चुके हो। जरा एक जल्दी से क्वेश्चन देखें। क्लाइव विल्किंसन की रिपोर्ट पहली रिपोर्ट थी। प्लीज में क्वेश्चन पूछ सकता है कि विल्किंसन रिपोर्ट किसके रिगार्डिंग है, आप बता दोगे। रिगार्डिंग कोरल ब्लीचिंग। फर्स्ट ग्लोबल इवेंट 98 में ऑब्जर्व हुआ। अंडर वाटर हीट कैसे कोरल ब्लीचिंग को ट्रिगर कर रही है। ठीक, और रीजन्स मेंशन किए गए कहां कहां पे इनका इफेक्ट दिख रहा है। ये आपको कोरल ट्रायंगल का रीजन दिख रहा है, रिच इन मरीन बायोडाइवर्सिटी, फिलीपींस, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनिया, कोरल ट्रायंगल का रीजन। ठीक, एल नीनो कैसे डेथ ऑफ कोरल कर रहा है, अभी मैंने आपको बता दिया किन किन क्षेत्रों में। ठीक, फिर हमने गाइस समराइज कर लिया कि कैसे ब्लीचिंग में कैसे इसकी डिटैचमेंट हो रही है। आप देख रहे हो, एक बात को मैं कई एंगल से बता दे रहा हूं। इंडिया की स्टेटस क्या है कोरल रीफ्स का, कहां कहां पे किस किस प्रकार के कोरल्स मौजूद है। ठीक, वो भी मैंने आपको कल भी आपको बता दिया था। ओके गाइस, सो दैट वाज ऑल अबाउट कोरल ब्लीचिंग, कोरल कंजर्वेशन। कल वाली क्लास में मंडे टू फ्राइडे सेशन होगी, तो मंडे को आपसे मुलाकात होगी विद झमाझम सेशन ऑन मैंग्रोव्स। गाइस, डोंट मिस दिस सीरीज। आप मेरा एफर्ट देख पा रहे हो। कईयों के पेड कोर्स में इतना कंटेंट नहीं होगा जितना मैं आपको फ्री कोर्सेस में दे रहा हूं। फाइन, ऑलवेज अ लॉट ऑफ इनपुट इज देयर। आप अपना फीडबैक जरूर दें, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। फाइन, अगर आप हिंदी माध्यम के भी हैं तो आप वीडियो को जरूर देखें। समझ कम आए, एक बार, दो बार, तीन बार देखें, क्योंकि हिंदी माध्यम में कहीं कोई रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं है। नॉट इन द इंग्लिश मीडियम एज वेल। कोई एक बुक ऐसी नहीं है जो आपके एनवायरनमेंट के एग्जाम की डिमांड को पूरी करती हो। सो गाइज, मस्ट अटेंड सीरीज। आप अपना बहुत ख्याल रखें, और कहीं पे अगर आपको अनअकैडमी का कोई भी फ्री और पेड प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपका कोड क्या है। क्या आपको अपना कोड अजीत लाइव याद है? ठीक आप, ओके गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।